तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए एक क्रिम्पिंग टूल इस टाइप का, ठीक है, और एक चाहिए RJ45 कनेक्टर। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, हम एक केबल लेते हैं जो कि एक 8/6 ठीक है। तो सबसे पहले इस 8/6 केबल का हम थोड़ा सा कवर निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे हम रखेंगे इसे, हमको मान लो इतना निकालना है यहाँ से, तो हम इस तरह से रखेंगे इसको, इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो ये फिर कवर निकल जाएगा, थोड़ा सा हमको और करना पड़ेगा इसमें, कितना काफी नहीं होगा। इस तरह से हम कवर निकाल देंगे, ठीक है। कवर निकालने के बाद इसको हम अलग अलग कर लेंगे, सभी को एक लाइन में कर लेंगे, सीरियल में, सीरीज में, अंदर की तरफ जो प्लास्टिक है उसे हमको कट करना होगा। तो जब आप इन सबको अलग अलग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये कुछ इस टाइप के दिखेंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसको एक स्पेशल अरेंजमेंट में जमाना है, जो कि होता है ऑरेंज वाइट, स्पेशल ऑर्डर में रहेगा, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर आएगा ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट, फिर आ जाएगा ब्लू, ब्लू वाइट, फिर आ जाएगा ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर आएगा, फिर आएगा ब्राउन वाइट और ब्राउन, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, अब करना क्या है, सबको एक लेवल में करना है, हमको कट कर देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको लेवल में करना है, उसके लिए हमको थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा इसे, इस टाइप से, ठीक है। सभी लेवल में हो गए हैं, अब क्या करना है, इस टाइप का कनेक्टर लेना है, ये ऐसा, और इसमें तार को अंदर लगाना है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, पूरा अंदर कवर नहीं जा पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और कट करेंगे, दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको लेवल में कर लिया है बिल्कुल, थोड़ा सा चलता है, बहुत मामूली सा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेवल में नहीं है, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। हमको मैंने कवर का ध्यान रखना था, अगर देखो हम इस पोर्ट को सामने रखें तो आप देख पाएंगे कि ये कवर इसके अंदर तक आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम अंदर लगाते हैं, ठीक है, इसको हम अंदर लगाते हैं,
ठीक है, ये तो फिट हो चुका है पूरी तरह से। अब जरूरत है सिर्फ इसको टूल्स में लगाने की। तो दोस्तों टूल लेना है, इसमें जो 8P है 8P में इसको कोड को लगाना है इस तरह से, और इसको दबा देना है। तो देख सकते हैं हमारा कोड बन चुका है।